अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू जायका रेसिपी ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। चलिए देखते हैं अम्मी क्या बना रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बना रहे हो आज? आज कोरमा बना रही हूँ मैं, मटन कोरमा। अच्छा, तो फिर क्या क्या डालोगे उसमें? दही है 1/2 किलो। हाँ, अदरक लहसुन है 3 चम्मच, 100 ग्राम काजू है, हाँ, 4 टमाटर है, थोड़ा सा बिरिस्ता है, और ये हरी मिर्ची है, थोड़ा जीरा है, ये काली मिरी, हल्दी, और ये मिर्ची की बुक्की, और धनिया जीरा। अच्छा, और ये सौंफ है, और ये गरम मसाला, अखा गरम मसाला इसमें मैं नहीं डालूँगी क्योंकि अपने घर में नहीं खाते। अच्छा, अभी ये सब में। और मटन कितना लिए? मटन 1 किलो है। हाँ, आलू है 4। अच्छा, आलू भी डालते हैं इसमें? आलू डालते नहीं है, मगर तुम लोग को आलू के बगैर खाते नहीं है ना, क्योंकि मटन नहीं खाती है रेहाना, मटन नहीं खाती है तू, मटन नहीं खाती है, इसके लिए आलू डालती है। और ये हरी मिर्ची है 4-5 सबको अभी। हाँ, तो अभी ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं पीसने में थोड़ी से, और ये काजू का पेस्ट बनाएंगे। थोड़ी सी बोल के इतने सारी हरी मिर्ची डाल रहे हो? हाँ, है ना, 10-12 है। तो वो थोड़ी सी होती है, लगती है ना। तेरे अब्बा को तीखा लगता है। और अभी क्या डाल रहे हो? 100 ग्राम काजू है ना। हाँ, पेस्ट, काजू और मिर्ची का पेस्ट बनवा लेती हूँ। अभी ये बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ओके, तो अभी क्या डाल रहे हो अम्मी? तेल डाल रही हूँ। हाँ, कितने चम्मच? 3 चम्मच। अच्छा, ढाई क्यों? मस्का डालूंगी ना अभी 50 ग्राम। इसमें मस्का भी डालोगे? हाँ, इसमें मस्का भी आएगा। अच्छा, ये रहा 50 ग्राम मस्का। अच्छा, मस्का तो दिख ही नहीं रहा है, वो शायद मैं बहुत ज्यादा बट ली। टेबल ले ले। लगता मक्खन पिघल गया वो पूरा। और अभी इसके अंदर क्या डालेंगे? अभी तेल गरम हो गया, अभी क्या डालोगे इसके अंदर? जीरा डाल रही हूँ। अच्छा, अभी गोश्त, ये कैसे फुट फुट कर रहा है? वो मक्खन डालेंगे ना इसके लिए। अरे, ये तो पूरा ऊपर ऊपर आ रहा है। तो फुट 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 कर रहा है। इसको थोड़ा सा इसका पानी सूखे तक के, हाँ, इसमें रखेंगे इसको, फिर अदरक लहसुन डालेंगे। अच्छा, अभी ये इतना बॉईल हो गया है, तो अभी इसके अंदर और क्या डालोगे? ये अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हल्दी है, काली मिरी, हल्दी और काली मिरी, और क्या डालेंगे? टमाटर। सब एक ही साथ डालने का इसमें? हाँ, एक साथ में डालने के लिए बाद में मसाला डालूंगी, अभी अदरक लहसुन ये सब डाल दी हूँ ना। हाँ, हल्दी और काली मिरी तो उसमें पक जाएगा ये, फिर उसके बाद जो काजू का पेस्ट किए ना, मिर्ची का, काजू और मिर्ची का जो पेस्ट किए वो डालेंगे, वो डालेंगे थोड़ी देर के बाद। अच्छा, तू जा रही है ना? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। हाँ, फिर मैं आके वीडियो कंटिन्यू करती हूँ तुम्हारी। हाँ, ठीक है, चल। अभी गाइस मैं ये डाल रही हूँ, ये जो पेस्ट बनाई थी मैंने मिर्ची और काजू का। अभी मेरी लड़की की दादी का फ़ोन आया तो वो उधर चली गई ना वीडियो बनाते बनाते, तो अभी मैं बोल रही हूँ। चलो गाइस, अभी मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ। ये है गरम मसाला और ये सौंफ पाउडर और ये मिर्ची की बुक्की और ये धनिया जीरा। और इसमें ये 1/2 किलो दही। और ये
जो मैंने बिरिस्ता ली थी उसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया मिक्सर में। अब इसमें सब सारे मसाले ऐड हो गए। अभी इसको मैं 4-5 सीटी दिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। हाँ मम्मी, तो अभी कितना हुआ है? अभी तो मैं दादी के वहाँ गई थी, अभी तो वहाँ से आई हूँ मैं। मैंने बताई हूँ, हाँ सब मसाले वगैरह डाल दी हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अभी इसमें मैं आलू डाल के एक सीटी और ले लूँगी। अच्छा आलू की, अच्छा ठीक भी हो गया सब। हाँ मैंने अभी बंद की थी ना, अभी चालू कर रही हूँ, सीटी खोलने की थी ना, अभी आलू डाल रही हूँ। मतलब आज डिलीशियस खाना मिलेगा हम लोग को। हाँ तो गाइस, अभी हमारा सालन बनकर तैयार है, मतलब कोरमा बनकर तैयार है, आलू भी गल चुके हैं। और अम्मी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी, अब बर्दाश्त नहीं हो रही भूख ये सालन देखकर। तो अभी मेरा खाना खा के हो गया, खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और अभी अम्मी सोएबा को खाना खिला रही, ये है मेरी बहन की लड़की जो आई है यहाँ पे स्कूल की छुट्टियों में, 2 महीने की छुट्टी है इसकी स्कूल की। और अम्मी बोलो अभी मेरी रेसिपी कैसी बनी, मेरी रेसिपी कैसी बनी है, कैसी लगी तुमको कमेंट करके बोलना, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है गाइस, अभी ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।